थोड़ी देर शांत बैठे। हम भाद्रपद भाद्रपद मास संध्या की बेला एक 5 मिनट ध्यान करते हैं और फिर थोड़ी गणेश गणपति शायद ब्रह्म चर्चा फिर आरती प्रसाद कहाँ कहाँ से आए कैसे कैसे दिन बिताया कितना कुछ कहा सुना ये देखा वो खाया ये कहा ये स्तोत्र ये आरती ये वंदना ये पूजा इस रंग के फूल ये सिंदूर मोदक मोती चूर के लड्डू जो जो अपने मन को भाया वो भगवान के नाम से लगा दिया। एक कुछ आशा लेकर मंगला नाम अपि मंगलम जो सर्व मंगल मांगल्य उस अंबिका देवी सर्व अर्थ साधिके जो गौरी है शिवे शिव की अर्धांगिनी जो नारायणी है नारायण की बहन उसके पुत्र को क्यों न मनाए तो शायद माँ भी खुश होकर कुछ प्रसन्न हो। अथवा ज्ञान स्वरूप बोध स्वरूप कैवल्य दाता शिव स्वरूप उनके पिता को रिझाने के लिए उनके पुत्र को क्यों न मनाए ऐसे कुछ मन में आशा विचार संस्कार उच्चार जिन संस्कारों का प्रचार हुआ उनको लेकर प्रथा चल पड़ी गणेश चतुर्थी। हम भाद्रपद मास भद्र अर्थात शुभ कल्याणकारी पद स्टेट ऑफ माइंड स्टेट ऑफ अफेयर टाइटल पोजिशन रोल भाद्रपद अच्छाई में स्थित करने वाला resetting, recalibrating me in the original goodness. इस मास की विशेषता भाद्रपद में भी गणेश प्रागट्य का दिन उसमें भी संध्या की बेला शाम का समय और फिर साध संगत सात्विक सज्जनों का संग तो इसमें बाहर का प्रसाद तो खूब मिला है मिल जाएगा लड्डू पेड़े मोदक लाही बत्तासा हर साल खाया 10 दिन खाया सुबह शाम खाया बहुत खाया एक्सटर्नल स्टिमुलाय। कृष्ण कहते हैं आत्मबुद्धि प्रसाद जा मोक्ष संन्यास योग सुख चाहता है तो बाहर का प्रसाद पर्याप्त है।
आनंद से मुक्ति मोक्ष चाहता है तो आत्मबुद्धि प्रसाद जा, अंदर का प्रसाद पाले। फिर उस प्रसाद से सर्व दुखानां हानि रस उपजायते। फिर प्रसन्न चेतसो ह्याशु। तो थोड़ा विराम दे। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, कृष्ण कहते हैं गीता में, बाहर की शक्ति को छोड़ दे। कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिजायर्स एंड बिहेवियर्स, पॉजिंग देम, हिट द पॉज बटन। विंदति आत्मनि यत्सुखम, अपने अंदर ढूंढ ले। छला छल भरा पड़ा है, बह रहा है। नव द्वारे पूरे देही, इधर ही भगवान की प्राप्ति होगी। इस शरीर में याची देही याची डोड़ा, तुकाराम महाराज कहते हैं महाराष्ट्र में। मन झाले ओले चिंब, जैसे भिजले अभंग। शांत चित्त प्रसन्न आत्मा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। ओमकार के नाद में मंगलमय गणेश जी का ध्यान। ओम गम गणपतये नमः। ओम गणानाम त्वा गणपतिर्। हवामहे आवाहन करते हैं। कविम कविनाम उपवम, सबसे बुद्धिमान जो है उनका। ज्येष्ठ राज्यम, जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजा है। ब्राह्मणाम ब्राह्मण पत आनः, जो प्रत्यक्ष ब्रह्म है। श्रुणवन्न भी ऐसा बात को सुनते हैं। सीधे साधा हम तो, अगर मन शांत हुआ हो, थोड़ा आराम मिल रहा हो, बहुत हो गया लग रहा हो, विश्रांति चाहते हैं, हाँ वास्तविक गणपति की आराधना करते हैं, तो शांत मन से धीरे धीरे अपने नेत्र खोल सकते हैं कि फिर हम अब ब्रह्म चर्चा करेंगे, गणेश जी के विषय में जान लेंगे। जय गणेश।